प्रेज द लॉर्ड, हमारे सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज के इस बाइबल स्टडी सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले बार हमने याद दिलाया, आज हम पहले तिमोथियुस का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन हम एक साथ ध्यान करेंगे। आइए हम उसको पढ़ें। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। ये जो वचन जो इस पत्री का बिल्कुल बिगिनिंग वर्सेस है, इसको जब हम पहले पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमें लगे कि इसमें इतना महत्वपूर्ण बात है क्या, क्योंकि ये तो केवल एक ग्रीटिंग जैसा है, अभिवादन जैसा वचन है। परंतु अगर इसमें हम कुछ ध्यान से देखें तो इस पूरी पत्री को समझने के लिए उसका एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड हमको इन वचनों के द्वारा समझ में आता है। तीन महत्वपूर्ण चीजों को आज हम एक साथ सीखना चाहेंगे इन वचनों के द्वारा। एक तो ये कि ये किसने लिखा। पौलुस प्रेरित वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो, ये मेरी ओर से लिखा गया है, पौलुस की ओर से। और दूसरा ये कि वो तिमोथियुस के बारे में किस तरह से परिचय दे रहे हैं। तिमोथियुस, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। और तीसरी बात ये कि किन शब्दों को लेते हुए पौलुस तिमोथियुस का अभिवादन कर रहे हैं। अनुग्रह और दया और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो इन तीन चीजों को आज हमारे सामने जो समय है उसमें हम एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पौलुस जो है अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या अपना परिचय वो किस तरह से दे रहे हैं। आप लोगों में से जिन लोगों को वचन के बारे में ज्ञान है और आप लोग जो पौलुस के जिंदगी के बारे में समझते हैं, तो आपको पता है कि अपने बारे में बोलने के लिए पौलुस के पास ढेर सारी बातें हैं। जैसे कि वो यहूदियों के यहूदी और बहुत ज्ञानी और पंडित, और ये जो पवित्र शास्त्र है, जो ओल्ड टेस्टमेंट का जो स्क्रिप्चर है, उसमें बहुत ही ज्ञान था उनको। और इस तरह से ढेर सारी चीजें वो एक तरह से देखो तो अपने बारे में वो कह सकते थे। लेकिन देखिए वो किस तरह से अपना परिचय दे रहे हैं। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। वो जो शब्द है प्रेरित, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से आज देखेंगे। एक ही चीज जो है पौलुस प्रेरित अपने बारे में कहना चाह रहे हैं, और वो ये है कि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और आज्ञा के अनुसार मैं उनका प्रेरित हूं। Paul, an apostle of Christ Jesus, according to the commandment of God our Savior and of Christ Jesus, who is our hope. तो ये सोचने वाली बात है कि देखो, पौलुस जो है अपनी जिंदगी के बारे में जब वो सोच रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज उनके दिल में उठ रहा है, या वो दूसरे लोगों से अपने बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बुलाहट परमेश्वर में क्या है, वही चीज उनका मान लो एड्रेस बन गया। और कुछ चीज वो अपने बारे में नहीं कहना चाह रहे हैं। केवल उनके मन में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि देखो, प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु की बुलाहट मेरी जिंदगी में आ गई और सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। मान लो उनकी पूरी जिंदगी, उनका दिल, दिमाग, उनका समय, सब कुछ इस चीज के अंदर में है। एक तो वो, और दूसरा ये भी कि पौलुस यहाँ पर पहले जो है
अपना इंट्रोडक्शन में ही ये बात क्लियर कर दे रहे हैं कि जितनी भी शिक्षाएं इस पत्रिका में वो अपने आत्मिक पुत्र को दे रहे हैं वो किस स्थान पर खड़े होकर के वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी सोच बांट रहे हैं या कि केवल ऐसे ही कुछ बातें वो तिमोथियुस को कह रहे हैं, ऐसा नहीं। परंतु जो सेवकाई और बुलाहट परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उनकी जिंदगी में आई है और जो वो प्रेरित हैं उस ऑफिस में खड़े होकर के उनका वो क्रेडेंशियल दिखाता है कि उस अधिकार में खड़े होकर के इन शिक्षाओं को वो दे रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्टली हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित के बारे में हमें पता है कि प्रेरितों का जो पुस्तक है उसमें 9वां अध्याय जिसमें हम शाऊल का हृदय परिवर्तन देखते हैं। पौलुस जो है उनका पहले का नाम शाऊल था, आप लोगों को पता है उसके बारे में। और देखिए बहुत ही अद्भुत रीति से इस अध्याय को आप लोग पढ़िएगा। अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन देखिए ये शाऊल एक ऐसा आदमी था जो कि प्रभु के लोगों को और कलीसिया को पीड़ित कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं, उसको नहीं मालूम था। और इस कारण से जो वो एक अच्छे यहूदी होने के नाते जितना कुछ उनको वचन के बारे में ज्ञान था उसके हिसाब से वो क्या कर रहे थे कि हर जगह पर जा करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो जो है कलीसिया में लोगों को पीड़ित कर रहे थे। और ऐसे ही समय में क्या होता है कि रास्ते में जाते जाते जो है परमेश्वर का जो ज्योति है उनके ऊपर चमक जाता है और वो नीचे भूमि पर गिर पड़ते हैं। उसका चौथा वचन तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका तीसरा वचन मैंने पढ़ा। चौथा वचन, और वह भूमि पर गिर पड़ा, हालेलुया, और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। देखिए ये बिल्कुल जो है परमेश्वर जब एक व्यक्ति से मुलाकात करना चाहता है तो उनके लिए जो है वहां पर कोई भी चीज रुकावट नहीं बनती है। देखो किस तरह से शाऊल को उन्होंने बिल्कुल सुपर नेचुरल वे में उन्होंने छू लिया। और पांचवें वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और उसके नीचे आप पढ़िए बहुत ही सुंदर वचन है कि किस तरह से जो है परमेश्वर ने उसको छू लिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर आकर के जो है 15वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसको प्रभु ने छुआ, उसको प्रभु ने बुलाया और सबसे पहले जो है परमेश्वर की बुलाहट उसके जिंदगी में आ गई कि देखो मैंने तुम्हें क्यों चुना, मैंने तुमको क्यों छुआ, क्यों चुना। 15वां वचन ऐसा पढ़ता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो ये जो है प्रेरिताई की जो सेवकाई है वो बुलाहट पौलुस प्रेरित की जिंदगी में आ गई। द कॉल इन टू एपोस्टॉलिक मिनिस्ट्री, प्रेरित उस वाक्य का अर्थ ही ये है, जैसे मैसेंजर, जैसे भेजा जाने वाला। तो परमेश्वर के राज्य के संबंध में जो है अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के वचन को ले जाकर के, सुसमाचार को ले जाकर के परमेश्वर के राज्य की सीमा को आगे बढ़ाने वाला, जो सबसे फ्रंट लाइन में खड़ा होकर के जो परमेश्वर की राज्य के लिए सेवकाई करने वाला है, वो ही प्रेरितों की जो सेवकाई की बुलाहट में सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए ये चीज उस समय से, उस दिन से जब से शाऊल ने परमेश्वर का जो आवाज सुन लिया, तब से जाकर के ये चीज उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज बन गई। और हमें पता है कि कुछ समय तो वो शांत रहे, अलग से रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने लगे।
और एक बात जस्ट मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूँगी, जिसके बारे में आज ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं, लेकिन देखिए ऐसे कई लोगों का सोचना है कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनको तो प्रेरित हम संबोधन उनका करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उन चेलों के का जो समय था और उसके बाद जो कुछ प्रेरितों के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं उसके बाद ये पूरी सेवकाई जो है रुक गई, ऐसा कई लोग सोचते हैं और सिखाते भी हैं दैट एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री वो जो है खत्म हो गई, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन केवल एक रेफरेंस जो है मैं आपको देना चाहूंगी, इफिसियों का पुस्तक उसका 4th अध्याय, और यहाँ पर ये सबसे एक महत्वपूर्ण वचन है, 4th अध्याय उसके 11 से लेकर 13 तक का वचन। इसलिए हमको ये समझना है कि जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये सेवकाई जो प्रेरितों की सेवकाई है, भविष्यवक्ताओं की सेवकाई है, ये नए नियम की कलिसिया के उस समय के बाद जो है जो वचन जब लिख कर पूरा हो गया तब इस सेवकाइयों की ज़रूरत अब नहीं है, जो लोग ऐसा सोचते हैं और सिखाते हैं वो सही बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने तक जब तक कि कलिसिया सिद्ध नहीं हो जाती तब तक हमको ये सारे 5 तरह के जो सेवक लोग हैं इन सब का जो मिनिस्ट्री है चर्च में हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो उस बात को फिर हम वहीं छोड़ देंगे और हम दूसरे पॉइंट की ओर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वो तिमोथियुस को कैसे संबोधन करते हैं, ये जो है हमारे लिए आज के पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा टाइटल ही जो है हम इस के बारे में ही हमने आज दिया है कि वो कहते हैं तिमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तो ये ऐसा जो है एक आत्मिक संबंध पौलुस को तिमोथियुस के साथ कैसा हुआ, क्योंकि कई लोगों के साथ पौलुस का संबंध रहा उस जमाने में, लेकिन इस तरह से जो है स्पेशल रूप से एकदम अफेक्शनेटली और बहुत आत्मिक तौर से उन्होंने जो तिमोथियुस के लिए कहा ऐसे बहुत लोगों के लिए उन्होंने नहीं कहा। तो वो क्या बात है जिस कारण से इन लोगों के बीच में ऐसा संबंध हुआ, इसको भी जो है इसका जो हम थोड़ा सा शॉर्टली हम इसके बारे में देखेंगे। तो प्रेरितों की जो पुस्तक है उसके 14th अध्याय में जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित लूस्त्रा में उनका मिनिस्ट्री होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट मिशनरी जर्नी। तिमोथियुस के बारे में हम सबसे पहले प्रेरितों के काम उसके 16th अध्याय में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 7वें वचन से 14 के 7वें वचन से हम पढ़ते हैं कि लूस्त्रा में जो है पौलुस ने सेवकाई किया है ड्यूरिंग हिज फर्स्ट मिशनरी जर्नी। तो उस समय हम ऐसा समझते हैं कि वो जो है वहाँ पर सेवकाई किए और उन्होंने सुसमाचार को वहाँ जो है बांटा, और तिमोथियुस की जो माता है और उसकी जो ग्रैंड मदर है ये लोग उनसे सुसमाचार को सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह में आए हुए लोगों में से होंगे। और फिर हम पढ़ते हैं 2 तिमोथियुस के पुस्तक 1 अध्याय उसके 5वें वचन में और उसके 3 अध्याय 15वें वचन में, मैं उस उद्धर अभी नहीं जाना चाहूँगी, आप लोग इसको बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन वहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि तिमोथियुस को जो है उसके जो बचपन से उसकी माँ ने उसकी जो है ग्रैंड मदर ने ये जो परमेश्वर के वचन को उसको सिखाया, फ्रॉम द चाइल्डहुड दे टॉट हिम द स्क्रिप्चर्स, और इस वचन को सुनते सुनते उसको जो है अपने अंदर लेते हुए उसने उद्धार के लिए जो है उसके पास वो समझ आ गई, ऐसा हम उन वचनों में पढ़ते हैं। इसके बाद 16वें अध्याय प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसके जो है 1, 2 और 3 वचन में हम पहली बार जो है तिमोथियुस के बारे में पढ़ते हैं।
तब वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गए। ये क्या है, पौलुस जो है अपना सेकंड मिशनरी जर्नी के समय फिर से उन सभी जगहों से जब वो यात्रा कर रहे थे तो वो फिर से लुस्त्रा में पहुंच गए। और इस समय तकरीबन तिमोथियस जो है 20 साल का एक युवक रहा होगा और पौलुस तकरीबन 50 साल के रहे होंगे। तो इन दोनों के जो है एज में कम से कम 25-30 साल का एक डिफरेंस रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, तब वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया और देखो वहाँ तिमोथियस नाम का एक चेला था। अब देखिए एक डिसाइपल, वो जो है वर्ड यहाँ पर तिमोथियस के लिए ऑलरेडी उपयोग हो चुका है, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था परंतु उसका पिता यूनानी था। उसके पिता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, परंतु वो ग्रीक थे, यूनानी थे। हो सकता है वो परमेश्वर में नहीं आए वाले व्यक्ति थे, परंतु उनकी माँ के द्वारा जो है परमेश्वर के निकट आने में उनको वो समझ आई। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में बहुत अच्छा माना जाता था। देखिए तिमोथियस के बारे में ये गवाही है कि जितने भी बिलीवर्स लोग उस एरिया में थे उनके बीच में उनकी बहुत एक अच्छी गवाही थी। उस समय तक एक युवक थे वो, परंतु जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपना दिल खोला और जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उसकी बहुत अच्छी गवाही उस पूरे एरिया में उसके बारे में लोग अच्छा कहते थे। पौलुस ने चाहा तो ये सब गवाही पौलुस जरूर जो है तिमोथियस के बारे में सुने होंगे, और पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उसके बारे में इन बातों को सुनते हुए, अच्छी गवाही को सुनते हुए और परमेश्वर के प्रति जो प्रेम वो रखता है, पौलुस के प्रति जो आदर सम्मान वो रखता है, उसकी जो है सेवकाई के प्रति जो इच्छाएं हैं, इस सब को समझते हुए पौलुस जो है उसको अपने साथ में ले करके जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से एक जो है शुरुआत उनका जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में एक पिता और पुत्र के समान एक संबंध जो है यहाँ से शुरू हो जा रहा है। और वो ही नहीं, एक गुरु और जो है एक शिष्य का संबंध भी उन दोनों के बीच में बनता जा रहा है। और इसके बाद ये अगर आप आगे इस भाग को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी रीति से आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है जहाँ जहाँ पौलुस गए, जहाँ जहाँ जो भी परिस्थिति में वो रहे, उस हर एक जगह में तिमोथियस को वो अपने साथ ले जा करके जो है उसको शिक्षण दे रहे थे। तो ये एक बहुत ही जो है डिसाइपलशिप का एक बहुत ही सुंदर चित्र इन दोनों के संबंध में हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ मैसेज दे दिया और इसने उसको सुन लिया और वो खुद प्रभु में आगे बढ़ते आए, ऐसा नहीं। वो खुद तो प्रभु में आगे बढ़कर जरूर आया, लेकिन जो है उसकी जिंदगी का जो नेक्स्ट लेवल, उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि वो पौलुस के साथ जो उसका जो गुरु शिष्य का संबंध था उसके कारण से उसकी जिंदगी में वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। और वो उनके साथ साथ कई वो मिशनरी जर्नी में जहाँ जहाँ वो जाते थे तो उनके साथ वो जाने लगा। और हम देखते हैं तिमोथियस में कि ये जो है तीन फेस उसकी ज़िंदगी में, तीन जो है चरण हम देखते हैं इनके संबंध में। एक तो पिता और पुत्र के समान, क्योंकि देखो उसका खुद का पिता यूनानी था। तो मान लो जैसे पौलुस उस जगह में आ गए एक आत्मिक पिता के रूप में उसको अगुवाई देने के लिए। और जो है दूसरा हम देखते हैं कि एक शिष्य के समान कैसे संबंध बन गया। दूसरी तिमोथियस का पुस्तक जो है उसका तीसरा अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक शिष्य के रूप में संबंध बन गया तिमोथियस और
पौलुस के बीच में, दूसरा तिमुथी उसका तीसरा अध्याय 10 और 11। वहां पर पौलुस फिर कहते हैं, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। तो यहां पर ऐसा कहता है, इंग्लिश में वो थोड़ा सा और क्लियर है, ऐसा कहता है, नाउ यू फॉलोड माय टीचिंग, कॉन्डक्ट, पर्पस, फेथ, पेशेंस, लव, परसिवियरेंस। वो कह रहे हैं कि देखो, मेरी जिंदगी में ये सब चीजों में तुम मेरे साथ थे, तुमने इसको देखा, तुमने मुझसे सीखा, और उसी चीज को जो है तुमने अपनी जिंदगी में भी ले लिया है। तो एक स्टूडेंट की तरह जो है तुम मेरे साथ थे। और तीसरा जो हम देखते हैं कि वो इस लेवल से भी आगे बढ़ते हुए रोमियो की पुस्तक 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो एक को लेबरर या फिर परमेश्वर के जो सेवकाई में पौलुस के साथ मिलकर काम करने वाले भी बन गए। Romans 16:21, रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 21वां वचन, वहां कहते हैं कि तिमुथियुस मेरे सहकर्मी का, वो वर्ड आप देखिए कि उसको वो एक पुत्र के समान था, उसके बाद शिष्य के समान, और उसके बाद वो पौलुस के सहकर्मी बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये एक दो दिन की बात नहीं, देखो जब पहले पौलुस उनसे मिलते हैं तो वो तकरीबन 20 साल के हैं, और जब वो इस इफिसुस की कलीसिया में जो मिनिस्ट्री उनके हाथ में दी गई तो वो तकरीबन 35 साल के हैं। तो ये 10-15 साल का जो गैप है, इसमें वो पौलुस के साथ रहते रहते बहुत कुछ उनकी जिंदगी में जो है पौलुस के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। और कई जगह हम देखते हैं कि पौलुस ने जो है तिमुथियुस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, मुश्किल काम कलिसिया के संबंध में जो था वो तिमुथियुस को पौलुस ने वो असाइनमेंट दिया। अभी सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, 1 Thessalonians 3:2, एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 Corinthians 4:17, कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि देखो पौलुस तिमुथियुस के बारे में उनका क्या सोचना है। 1 Corinthians 4:17 हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तिमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। तो देखिए, जब उस कलीसिया में तिमुथियुस को वो भेज रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस है उनके दिल में, कहते हैं, ही इज माई फेथफुल एंड बिलवड सन इन द लॉर्ड, ही विल रिमाइंड यू ऑफ माई वेज विच आर इन क्राइस्ट। वो कहते हैं कि देखो, परमेश्वर में जो मेरी समझ है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे कार्य करता हूँ, वही चीज उसी स्पिरिट में जो है मेरा पुत्र तुम्हें सिखाएगा, और जैसे मैं कलिसिया में सिखाता हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरा पुत्र जो है तुम्हें सिखाएगा। एक और हम देखते हैं उसी बुक में, 1 Corinthians 16 उसका वर्स 10, 16वां अध्याय उसका 10वां वचन, कहते हैं, नाउ इफ तिमोथी कम्स, सी दैट ही इज विथ यू विदाउट कॉज टू बी अफ्रेड। हिंदी में, यदि तिमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। इस तरह का अनेक वचन है, मैं बस एक दो आपके सामने लेकर के आ रही हूँ कि देखो, वो फिर से उनका जो गवाही है तिमुथियुस के बारे में, उन शब्दों से हमको समझ में आता है कि इन दोनों के बीच कितना गहरा संबंध था, कितना कॉन्फिडेंस था उनको तिमुथी के बारे में। यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मैं 10वां वचन कहता है, मेरे समान वह प्रभु का काम करता है,
जस्ट लाइक आई डू गॉड्स वर्क ही विल डू गॉड्स वर्क, ऐसा तिमोथियुस के बारे में। तो जो मेरा सच्चा पुत्र, ऐसा करके जो तिमोथियुस के बारे में पौलुस का कहना है उसके पीछे बहुत गहराई है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आज आपसे इन बातों को मैं कह गई, लेकिन आप खुद इन वचनों को पढ़िए और इसमें हम जो है डिसाइपलशिप का एक बहुत ही सुंदर जो है चित्र हम देखते हैं, स्पिरिचुअल फादरहुड का, स्पिरिचुअल सनशिप का एक बहुत अच्छा चित्र हम इनके बंधन में देखते हैं। और ये परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, क्योंकि इन संबंधों में खड़े होकर के परमेश्वर के राज्य का काम जब हम करते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा का एक बहुत स्पेशल ग्रेस आ जाता है, क्योंकि हमारा मन एक हो जाता है, हम आत्मा में एक हो जाते हैं, सेवकाई में हम एक हो जाते हैं, और उस जो है यूनिटी के अंदर से जो पवित्र आत्मा का जो वर्क होता है उसमें एक बहुत ही स्पेशल ग्रेस जो है आ जाता है, और शैतान उसमें ज़्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं कर सकता। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। और आइए हम फिर से अपने लास्ट पॉइंट की ओर जाएंगे कि दूसरे वचन में पहला तिमोथियुस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। वो जब इसको ग्रीटिंग कर रहे हैं, तिमोथियुस को ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो जैसा हम लोग बोल देते हैं ना, ब्लेसिंग दे देते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं, दुआ कर देते हैं ना, दिल से हम आशीष देते हैं, तो इतना जो अपने आत्मिक पुत्र से ये प्रेम रखते हैं और इतनी जो कठिन एक कलिसिया की जिम्मेदारी उसको सौंप करके उनको वहां खड़ा किए हैं, उस समय उनके लिए क्या दुआ कर रहे हैं, अभिवादन में क्या पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके नीचे अगले हफ्ते हम देखेंगे तीसरे वचन से सातवें वचन तक कि वहां का प्रॉब्लम क्या था, उस कलिसिया की समस्याएं क्या थी और क्यों पौलुस ने तिमोथियुस को उस जगह भेजा। तो देखिए अभिवादन में तीन शब्द, अनुग्रह दया और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो एक तरह से पौलुस ऐसा कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि तुम परमेश्वर से जुड़े हुए हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर में है, इसलिए मैं तुमसे दूर हूं फिर भी निरंतर रूप से जो है परमेश्वर की ओर से जो सप्लाई है, जो हेवनली सप्लाई है, वो तुम्हारे अंदर तुमको मिलती रहेगी पवित्र आत्मा के द्वारा। और क्या क्या वो चाह रहे हैं, ग्रेस, अनुग्रह मिलती रहे। अनुग्रह, ग्रेस का क्या मतलब है, वो चीज जो परमेश्वर जो है अपने भंडार में से तुम्हारी जिंदगी में देता रहेगा, देता रहेगा, ऐसा नहीं तुम्हारे गुण को देखते हुए नहीं, परंतु जो कुछ भी वो तुमसे चाह रहा है उसको करने के लिए जो शक्ति जो तुमको चाहिए, उसके लिए जो प्रोविजन तुमको चाहिए, वो अपने अनुग्रह के द्वारा वो तुम्हें देंगे। दूसरी बात, परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर लगी रहे, उसका ये मतलब है मर्सी। कई बार हम गलती कर देते हैं, हमारे जिंदगी में कमियां हो जाती हैं, लेकिन उन कमियों के अनुसार परमेश्वर हमसे जो है बर्ताव नहीं करता, वो हमको माफ कर देता है और फिर से अपने प्रेम के द्वारा उसकी दया हमारे ऊपर फिर से वो भेज देता है, वो हमारी जिंदगी को बहुत बलवंत बनाता है। तीसरी बात, परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर मिलती रहे, द पीस फ्रॉम गॉड, बहुत महत्वपूर्ण चीज, शैलोम, जो परमेश्वर की ओर से जो शांति है, जो वो वैसी शांति नहीं जो ये दुनिया देती है, परंतु जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, परमेश्वर की ओर से जो है जो शांति, जो शालोम, जो हमारे जीवन को भरपूर कर देती है, जो हमारे जीवन को परमेश्वर के आनंद से भर देती है, हमारी सारी चिंताओं को हटा देती है, उस चीज से जो है भर देती है। तो अनुग्रह, दया और शांति तुमको मिलती रहे, हर एक दिन मिलती रहे परमेश्वर से, और वो चीज जो है तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो तुमको बलवंत बनाए रखेगा और हर एक चीज जो तुम्हारे सामने है वो उस चीज में तुमको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। हालेलुया। तो आज का बाइबल स्टडी इन वचनों के द्वारा मैं यहीं पर उसको जो है स्टॉप करना चाहूंगी। परमेश्वर आपको
आशीषित करें। आप इन वचनों को पढ़िए, ध्यान कीजिए, परमेश्वर ढेर सारी चीज़ों को जो है आपसे बातचीत करेंगे। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आप जब इसको देखते हैं हमारे बाइबल स्टडी को, तो अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या आपको ये पसंद आ रहा है क्या, हम किस तरह से और जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम ज़रूर जो है उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप उसके लिए जो है अपने विचारों को हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करें। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे पहले अध्याय उसके 3-7 तक, कि इफिसुस की कलीसिया में ऐसी क्या संकट थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिस कारण से अपने सच्चे पुत्र तिमोथियुस को ला करके पौलुस को वहाँ खड़ा करना पड़ा, इसके बारे में हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। जय मसीह।